हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की सबसे स्पेशल मावे वाली कचौड़ी कैसे बनाई जाती है। इधर है मैदे के अंदर स्टफिंग करी जाती है अपने मावे की। इलायची की और जायफल रहता है इसके मावे के अंदर, जिसे अच्छी तरह से भरा जाता है। पूरी की पूरी कचौड़ी जो आपको मावे से भरी हुई मिलेगी। करने के बाद जहाँ पे सेका जाएगा कैसे इसके अंदर अच्छी तरह से स्टफिंग कर ली जाएगी पूरी की पूरी। और एकदम फेमस कचौड़ी दिखा रहे हैं आपको जोधपुर की सबसे फेमस दुकान मावे की। और मात्र 60 रुपए की कचौड़ी आती है। 60 रुपए की कचौड़ी मिलेगी एकदम प्योर वाली आपको मावे वाली। इसे देसी घी के अंदर फ्राई करा जाएगा। ये देखिए अंदर जो चपटा करा गया था इसको वापस से एक बार और चपटा करा जाएगा। ये देख सकते हैं आप कढ़ाई भर के जो अपनी कचौड़ियाँ निकाली जाएगी मावे वाली। नीट है मावे की सफी रखी इलायची और जायफल के साथ। तो 10-12 मिनट हो चुके अपनी कचौड़ी को अच्छी तरह से देसी घी में फ्राई करते हुए। ये देखिए इसको दूसरी तरफ से जो है पलटते जा रहे हैं, जैसे जैसे एक तरफ से सिदाई होती जा रही है। देख सकते हैं अपनी जो मावे वाली कचौड़ी के अंदर स्टफिंग करी गई थी उसको लगभग लगभग सिकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसको निकाला जाएगा। लगभग लगभग इसकी पूरी करारी करने में 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का टाइम लग जाता है। भाई ये देख सकते हैं अपनी जो मावे वाली कचौड़ी पूरी तरीके से देसी घी के अंदर सिक्के तैयार हो चुके हैं। इसको निकाला जाएगा। ये देखिए पूरी पूरी कढ़ाई भर के जो बनाया गया था उसको सारी की सारी निकाल दिया जाएगा। फेमस मावा कचौड़ी अब जोधपुर दिखा रहे हैं, एकदम प्योर आइटम दिखा रहे हैं कैसे बनाया जाता है। तो भाई ये देख सकते हैं जोधपुर की सबसे फेमस मावे वाली कचौड़ी आ चुकी है। अब आपको स्टफिंग दिखाते हैं चाहे बड़े तरीके से। इसको एकदम गर्मा गर्म मावे की कचौड़ी है जिसको चाशनी के अंदर डुबाया गया है। ये देखिए मावा दिखाएंगे एकदम प्योर मावा है। देखिए देसी घी के अंदर इसको फ्राई करा गया है। आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा टेस्ट है। ये देखिए टेस्ट की बात करें हम इलायची और जायफल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर कभी भी जोधपुर में आए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। एड्रेस पूछ के बताते हैं। कासमंडी का चौक है, चौक का नाम है जयरामदास सोनीलाल जोधपुर। जोधपुर